नमस्कार, जय वन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। डीग कस्बे के जल महलों की नगरी, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर, मिट्टी के बने किले और रंगीन फवारों के लिए विश्वविख्यात है, जहां एक और पर्यटन की दृष्टि से डीग हेरिटेज सिटी भी कही जाती है, वहीं पुराना बस स्टैंड स्थित किले के चारों ओर फैल रही गंदगी से कस्बेवासी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। गंदगी का आलम यह है कि किले के पास गंदगी से निकलने वाली दुर्गंध के कारण वहां से कोई राहगीर भी निकल नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर नगरपालिका प्रशासन भी सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इधर कस्बेवासियों का कहना है कि शहर की नालियों से निकला गंदा पानी और कीचड़, पॉलीथीन, कूड़ा करकट व सभी तरह की गंदगी लोगों द्वारा किले के चारों तरफ भरे पानी में फेंकी जाती है, जिससे उसमें पानी सड़ने लगा है और दुर्गंध भी आ रही है। लेकिन नगरपालिका को शहरवासियों के स्वास्थ्य की चिंता है और न ही ऐतिहासिक धरोहर की भव्यता को लोगों द्वारा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि नगरपालिका द्वारा कस्बे में जगह जगह कचरा पात्र रखवाए गए हैं, लेकिन न तो उनको समय पर खुलवाने की समुचित व्यवस्था है और न ही गंदगी को हटाने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं सब्जी मंडी सहित कस्बे में जगह जगह गंदगी का यही दृश्य दिखाई दे रहा है। नगरपालिका कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई है और स्वच्छ भारत मिशन महज कागजों में ही सिमट कर रह गया है। डीक से मुकेश जांगीड़ की रिपोर्ट। नगरी है, यहाँ बहुत पर्यटक आते हैं, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पूर ध्यान दिया जाए। गंदगी का विशेष अंबार लगा हुआ है किले के पास, खाई में देखो उसमें बदबू आ रही है। आम जनता नगर निगम से कहा, कोई नहीं सुनवाई कर रहा है। पालिका से निवेदन किया है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इसकी जल्दी जल्दी सुनवाई की जाए और गंदगी को स्वच्छ किया जाए, जिससे कि आम जनता आराम से रह सके और जीवन यापन कर सके और पर्यटकों के लिए भी सुविधा हो।